नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आरआरबी जेई का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, तो अभी देखना ये होगा एनटीपीसी का कब तक यहाँ पे आपका एग्जाम डेट आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे करंट न्यूज़ की, करंट स्टेटस क्या चल रहा है, तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर परीक्षा के लिए अभी और बढ़ सकता है इंतजार। लेटेस्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बात तो आपको, कन्फर्म जो नोटिफिकेशन आया है इसके रिगार्डिंग, उसके पहले बाद में बात करेंगे। यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यानी कि आरआरबी ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को टालने की जानकारी दी थी। इस बात की पुष्टि 14 नवंबर को होने वाले आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के पहले चरण सीबीटी को आगे बढ़ा दिया गया है। वही नोटिस में आरआरबी की तरफ से रिवाइज डेट का अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सूत्रों की माने तो अगले साल के लिए टल सकती है एग्जाम। ये एग्जाम कब तक हो सकता है तो कन्फर्म यहाँ पर इन्होंने लिखा है साफ साफ, ये एग्जाम अभी आपका कन्फर्म दिसंबर या फिर अगले साल हो सकता है, क्योंकि पुराने ट्रेंड्स जो भी है, मतलब अभी करंट में जितनों जो भी सोर्स है वो सभी यही कह रहे हैं कन्फर्म आपका जो एग्जाम है वो अगले साल कंफर्म यहां पे फरवरी में दिखता हुआ नजर आ रहा है। कंफर्म दोस्तों दिसंबर में कोई भी एग्जाम नहीं होना है आपका यहाँ पे कंफर्म। और इनका पीछे कारण ये आप सभी को पता है, ये बहुत बड़ी परीक्षा है, एक तरीके से 2.4 करोड़ आवेदन आए हैं इन दोनों परीक्षाओं में। वहीं यहाँ पे परीक्षा की देरी का कारण यही बताया जा रहा है कि आयोजन यहाँ पे केवल यहाँ पे देख सकते हो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरआरबी पहले आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा का आयोजन करने का विचार कर रहा है, इसके बाद एनटीपीसी परीक्षा का आयोजन कर सकता है। तो वहीं आरआरबी की परीक्षा टालने के पीछे का कारण आप सभी को पता है, यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है यानी कि ईसी है, वो भी एक तरीके से पीछे रीजन है। अभी तक सेलेक्ट हुआ नहीं है कि कौन एग्जाम कराएगा कौन नहीं कराएगा, तो इन सभी बातों पे अभी टाइम लग जाएगा। तो इस हिसाब से ये उम्मीदवारों को यही सलाह है कि अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और ग्रुप डी ये मान के चलिए थोड़ा बहुत कि कन्फर्म है ग्रुप डी ही आपका पहले होगा। वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए और कन्फर्म मान के चलिए एनटीपीसी और ग्रुप डी जो भी एग्जाम होना है वो जनवरी या फरवरी में ही प्रस्तावित होना है, दिसंबर में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, छात्रों को और दूसरे छात्रों को बताइए, जिससे कि कंफर्म हो जाए एक फालतू में जो अफवाह फैल रही है फेक नोटिफिकेशन से कि एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।